नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स के अंदर। और आपका फिर से स्वागत है हमारी YouTube प्लेलिस्ट हाउ टू क्रिएट टेलीग्राम बॉट्स की दूसरे एपिसोड के अंदर। मेरे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आपको टेलीग्राम बॉट्स बनाना सिखाने वाला हूँ अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर, वो भी बेसिक से। जितना कुछ मैंने सीखा है वो सब मैं आप इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको देने वाला हूँ। और हमारी आज के इस दूसरे एपिसोड में मैं बस आपको एक सिंपल यही बताने वाला हूँ कि आप टेलीग्राम के ऊपर कैसे बॉट क्रिएट कर सकते हैं, बॉट का यूज़र नेम क्या होता है, बॉट टोकन क्या होता है, और इसको आपको कैसे सेफ रखना है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने हमारे चैनल ग्रेमेटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेमेटर्स को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको हमारे सुपर प्रोफाइल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर बॉट क्रिएट करने के लिए आपको बॉट फादर का इस्तेमाल करना होता है। बॉट फादर एक वेरीफाइड बॉट है जो कि टेलीग्राम से ही बनाया है, टेलीग्राम ने ही। इसको आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करके एक न्यू बॉट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। जब यहाँ पे आप अपने बॉट को न्यू बॉट वाली कमांड देंगे तो अभी ये हमसे कह रहा है कि आप अपने बॉट को क्या नाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने बॉट को आपको नाम देना होगा। नाम के अंदर आप अपने बॉट में कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रे मैटर्स। आप कैपिटल स्मॉल लेटर्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रे मैटर्स बॉट, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दिया। अब इसके बाद आपको अपने बॉट का यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम, ये मतलब यूज़र नेम का मतलब एक तरह से आपका बॉट का लिंक है जिससे आप अपने बॉट को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसके बाद बॉट का यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टेलीग्राम की तरफ से हमारे ऊपर दो लिमिटेशंस होती हैं कि आपका जो बॉट का यूज़र नेम है उसके लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर बॉट यहाँ पे होना चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में या तो बॉट डालना है या फिर अंडरस्कोर बॉट आपको ज़रूर डालना है, तभी आपका यूज़र नेम वैलिड होगा और आपका बॉट यहाँ पे सिंपल एक बॉट टेलीग्राम के ऊपर क्रिएट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ ग्रे मैटर्स। आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। और लास्ट में बस एक बात याद रखना, जो भी आप यूज़र नेम उस बॉट को दे रहे हैं उसके लास्ट में या तो अंडरस्कोर बॉट ऐसे डाल देना, या फिर आप अंडरस्कोर को हटाकर सिंपल ऐसे ग्रे मैटर्स बॉट डाल सकते हैं। अगर आपका नेम पहले से ऑक्यूपाइड आता है तो आप यहाँ पे दूसरा नेम चूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर या उस नेम को, यूज़र नेम को यूनिक करके, क्योंकि एक ही यूज़र नेम के दो टेलीग्राम बॉट्स नहीं हो सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ग्रे मैटर्स अंडरस्कोर बॉट इसके अंदर यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो देखते हैं, तो ये देखो हमारा जो ये यूज़र नेम है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, किसी और ने ये लिया हुआ है। तो मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा और मैं इसे यहाँ पे नाम दूंगा ग्रे मैटर्स। और मैंने जो यहाँ पे बॉट अंडरस्कोर करके डाला था मैं इसको बिना अंडरस्कोर करके डालूंगा, तो यहाँ पे मेरे को बॉट टोकन बॉट मिल जाएगा। अब टेलीग्राम को टेलीग्राम की तरफ से हमें यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि हमारा बॉट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे बॉट का लिंक है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी बॉट की चैट ओपन हो जाएगी। स्टार्ट करने पे ये देखो हमारा बॉट यहाँ पे अभी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है, क्योंकि हमने सिर्फ एक टेलीग्राम बॉट बनाया है, इसके अंदर अभी कुछ भी पोस्ट नहीं करा है, ये सिर्फ एक सिंपल टेलीग्राम बॉट है। तो ये था उसका बॉट का लिंक, या फिर जिसे आप बॉट का यूज़र नेम भी कह सकते हैं। और ये आपका बॉट का यूज़र नेम था जो हमने बाद में यहाँ पे सेलेक्ट करा है, जिसको आप यहाँ पे एट द रेट से भी एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, एट द रेट और आपका जो बॉट का यूज़र नेम है वो डालकर। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो भी आप अपनी बॉट की चैट में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसको इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा ये हमारे बॉट का यूज़र नेम है, जिसको आप लिंक से और एट द रेट करके भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बॉट फादर पे मिलता है। ये जो दूसरा मैसेज आया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट मैसेज था, ये हमारा बॉट का यूजर नेम हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यूज दिस टोकन टू एक्सेस द HTTP API। ये आपका टेलीग्राम बॉट का टोकन है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है। इसको आपको किसी भी ऐसे यूजर के साथ शेयर नहीं करना है जिस पे आप भरोसा नहीं करते हैं, और इस टोकन को आपको पब्लिक भी नहीं करना है। इस टोकन को आप जितना सिक्योर रख सकते हैं उतना सिक्योर रखें, क्योंकि इस टोकन की मदद से कोई हैकर आपके टेलीग्राम बॉट को एक्सेस कर सकता है और आपके टेलीग्राम बॉट को कंट्रोल कर सकता है। और आपके टेलीग्राम बॉट को कंट्रोल करने के बाद आपके जो टेलीग्राम बॉट है उसके पास जो जो कंट्रोल्स होंगे वो सारे उन पावर्स को यूज कर पाएगा आपके बॉट के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो बॉट टोकन है इसका क्या यूज़ है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मैं
आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा अपनी इस प्लेलिस्ट की। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए।